सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज देखिए, आप किस तरीके से देख सकते हैं, आप ये डोमिनार 250 है अपने एक मुकुल तेजवाल भाई हैं मुजफ्फरनगर से। सो गाइज ये इंसिडेंट उनके साथ रिसेंटली हुआ अभी, और भाई ने बिल्कुल न्यू बाइक परचेज़ की थी डोमिनार 250, अराउंड 2 मंथ ओल्ड बाइक है। और उसके पास देखिए गाइज बजाज वालों की हरकतों के कारण से क्या हुआ बाइक के अंदर, इसमें आगे डिस्कस करेंगे। मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ बाइक के अंदर। गज मुकुल तेजवाल भाई जी अपने मुजफ्फरनगर से उन्होंने डोमिनार 250 परचेज़ की थी अराउंड 2 मंथ्स पहले। और उसके बाद ना ये बहुत सर्विस सेंटर से बहुत दुखी हो गए थे, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम होगी इनकी बाइक में, ओवर हीटिंग का इशू है ना, जो छोटी मोटी होती हैं आती रहती हैं बजाज की बाइक में मोस्टली, स्पेशली इन BS6 एंड BS7। तो भाई ने बोला प्लीज़ थोड़ा रिपेयर करो देखो, तो बहुत गोलीबाजी करी है बजाज वालों ने। उसके बाद ना भाई ने एक आफ्टर मार्केट बंदा ढूंढ लिया अपने घर के आसपास ही, वहाँ गैराज में जैसे बाइक खड़ी करी, कुछ देर में बाइक ने आग पकड़ ली। क्योंकि भाई बंदा देखो कोई भी राइडर होगा बहुत फेड अप हो गया था, मतलब सर्विस अच्छी नहीं मिल रही थी कंपनी की साइड से। उसके बाद कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन ढूंढेगा देखो, और काफ़ी मेंटली हरेस करा बजाज वाले ने। देखो भाई गाइज बहुत से लोग बोलेंगे तरुण भाई तुम बजाज को क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया है। यार देखो जब तक BS3 और BS4 थी ना, तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला उसके लिए, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ यार, और इनका स्टैंड लेता हूँ बजाज वालों का, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट थे इनके। बट गाइस जब से BS6 BS7 आया ना, मतलब इतने इशू, गाइस जो एक राइडर होता है बहुत डिमोटिवेट होता है। तो आगे आप देखिए मुकुल भाई से सुनिए क्या बोला मुकुल भाई ने, जो भी उनकी कहानी है आप इस वीडियो में सुन रहे हो क्या क्या बोला है, और खुद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। एक बहुत छोटी सी क्लिप डाल रखी है मैंने, पूरी की पूरी क्लिप है मेरे पास, और भाई अब ना सारी सारे के सारे प्रूफ डाल दूंगा। मैंने बजाज में जाके कितनी वर्ष की कंप्लेंट करी, क्या करी, मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। बंदे मेरे से आके बकवास मार रहे हैं, जिसको मैंने फ़ोन करे जो कंपनी से रिलेटेड हैं वो सब मेरे पे उल्टा ऐंठ रहे हैं, ऐंठ ऐंठ के बात कर रहे हैं, उनके तेवर ही बदल गए। मैं इसलिए ना डालना नहीं चाह रहा था भाई इसको यूट्यूब पे ना, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे उन बंदों ने। और भाई ये डोमिनार 250 है जिस जो केवल 2 महीने पुरानी है, और ये सर्विस की गलती की वजह से आज यहाँ पर जल रही है। भाई हम लोगों के पास ना शुरू से लेकर एंड तक की सारी वीडियोज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डाल दूंगा, फ़िलहाल इतनी वीडियो डालनी बहुत ज़रूरी थी। तो भाई मैं एक ही बात कहूँगा, बजाज का प्रोडक्ट मत लेना, मेरी अगली वीडियो में सारे प्रूफ दिखाऊंगा, शुरू से दिखा दूंगा जहाँ से आग लगी थी, स्टार्टिंग से जहाँ लगी थी। विवेक भाई और मैं 112 पे कॉल कर रहे थे, सिस्टम इतना गंदा है हम लोगों का भाई, 112 का नंबर ही नहीं लगता। योगी जी बहुत चीख चीख के कहते हैं कि मैंने 112 चला दी, 100 चला दी, वो नंबर ही नहीं चलते। फिर उसके बाद में अग्निशामक की गाड़ी आती है, अग्निशामक वाले बोलते हैं भैया हमारी तो गाड़ी ख़राब होगी रास्ते में ही, और आग बुझा लो आप, कहीं से कहीं तक आए भी नहीं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है भाई, एक एक को नंगा करूँगा अब नहीं छोड़ूंगा। गाइस जैसा कि आपने सुना मुकुल तेजवाल भाई ने जो भी बात बताई है, क्या इंसिडेंट हुआ है, यहाँ बहुत से लोग बोलेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे और डिफेंड करने आएंगे बजाज को। बट लेकिन गाइस देखो एज अ राइडर्स परस्पेक्टिव में बताऊँगा, कोई भी राइडर होगा ना तो उसके पास और भी बहुत काम है अपने लाइफ में, अपनी जॉब करनी, तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स उस लेवल की नहीं होती यार कि अपनी बाइक पर खुद काम कर ले, 99 राइडर्स के पास नहीं होती यार, तो सीधा सीधा सर्विस सेंटर जाते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाने के लिए अपनी, चाहे बेसिक सर्विस हो कुछ भी हो, और उनका काम है, उन्हें वो पैसे भी देते हैं इस चीज़ के लिए। बट गाइज यहाँ पे बजाज वालों की इतना बुरा हाल हो रखा है इंडिया में, उस टाइम क्या बोलूँ, बिल्कुल लूट मचा रखी है, और प्रोडक्ट इतने बेकार हो चुके हैं पहले के कंपेरिजन में, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करनी, और ऊपर से हैरेसमेंट नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। कोई भी इनके खिलाफ वीडियो बनाएगा, खिलाफ क्या मतलब, सच्ची बात बताओ तो उसके बाद उसे प्रॉपर अच्छी तरीके से हैरेस करो जब तक वीडियो ना हट जाए। तो देखो आपने मुकुल भाई से खुद सुन लिया होगा क्या मुकुल भाई का इंसिडेंट हुआ है। और गाइस एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखा आपने सिर्फ 2 महीने पुरानी डोमिनार में क्या हाल हुआ है, और मतलब कुछ और भी डोमिनार देखेंगे आपको, BS7 जो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी दम तोड़ रही थी बिल्कुल हकीकत में, किसी की मशीन प्रॉब्लम आ रही है, किसी में बाल्ब की प्रॉब्लम आ रही है, किसी में फ्यूल पंप का इशू आ रहा है। तो बात करें यहाँ पे यार, बिल्कुल डोमिनार ले लो आप, RS 200 लो, RS में बहुत इशू आ रहे हैं नई वाली में, अब लगेगा यार नहीं यार RS ऐसी है, भाई हम खुद ओन करते हैं 3 और BS4 भी मेरे ग्रुप में है यार, हमने कभी वो चीज़ नहीं देखी ना, मतलब कि बाइक बार बार ख़राब हो रही है, आग पकड़ रही है, तो नई बाइक में क्यों आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनके बहुत बुरा हाल हो गया गाइज। मतलब मैं तो कह रहा हूँ गाइज लिटरली बजाज का प्रोडक्ट अवॉइड करूँगा इन फ्यूचर बिल्कुल ही, और बहुत से राइडर ना डीमोटिवेट हो चुके हैं बजाज से, एक तो स्पेयर पार्ट पर इतने प्राइस बढ़ा रखे हैं उन्होंने, मतलब डेली इनके पार्ट्स पर प्राइस बढ़ते हैं हर महीने, मैंने देखा नोटिस करा है सारे पार्ट्स पर जितना मुझे एक्सपीरियंस है अब तक। और ये देखो गाइस किस तरीके से हैरेस कर रहे हैं मुकुल भाई को, तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो भाई के लिए जस्टिस है पूरा, साथ में खड़े हैं बिल्कुल। और गाइस बात करें हैं डोमिनार की, देखो डोमिनार ने जो भी कारण रहा होगा भाई की बाइक में आग लगने का,
वो मैं जहाँ तक लगता है ना मेरे को आईडी टेंटेटिव जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है जहाँ तक इसमें 2 दिन पहले सर्विस सेंटर सही तो टैंक पैड वगैरह लगाना भूल गएंगे, जो सेम RS में होता गोरी भाई वाली कॉलोनी में जो आग लगी थी RS 200 में, तो हो सकता है सेम सिनेरियो वो है। जो भी हो यार, मतलब ये तो सिर्फ 2 दिन पहले सर्विस सेंटर सही है, तो सीधी बात है बाइक ओपन होकर के उनके हाथों से निकल के आई है, तो सारी जिम्मेदारियाँ सर्विस सेंटर वालों की होती है। उसके बाद भी 2 दिन बाद ये सीन निकल के आ रहा है, तो यार मतलब मैं नहीं मानता बजाज वालों को, अगर नहीं तुम्हारा ओरिएंटेशन बनाने के लिए मना कर दो और हम नहीं करेंगे प्रोडक्शन, जो पुरानी बाइक है उनकी सर्विस करना हम बंद करेंगे, बिल्कुल कंपनी बंद कर दो भाई, लिटरली तुमसे बहुत आगे आगे निकल चुकी कंपनी है, बाहर की जापान की अपनी माइटी यामा होगी, चाहे तुम्हारी KTM होगी वीना ऑस्ट्रिया की, तो यार बहुत से लोगों ने छपरी वपरी बाइक है यार, वो बात छोड़ो तुम, हम टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। इस टाइम राजा बन चुकी हैं सारी बाइकें हकीकत में, इवन मैं बताऊँ हकीकत में जो बाहर की कंपनियाँ आई हैं इनकी कीवे वगैरह, तो मुझे तो उनकी रिलायबिलिटी भी अब आकर के कहीं ना कहीं बजाज से अच्छी लग रही है, क्योंकि यार बजाज ने ना मतलब क्या बोलूँ मिट्टी पलट कर दिया पूरी मार्केट में, कोई बाइक नई नहीं, और जो निकाल रहे हैं पुरानी वाली में थोड़ा बहुत चेंज करके, भाई क्वालिटी इतनी गंदी है ना लिटरली, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ था मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ दिए इन फ्यूचर बिल्कुल बजाज की बाइक नहीं ली। अब बहुत से लोगों को लगा RS 400 आएगी, भाई आन दो कोई बात नहीं, बजाज से बिल्कुल अवॉइड करो, बहुत इशू आ रहे हैं नई नई बाइक में, अब सुधरना वहीं पड़ेगा राइडर्स को, अब आकर के बाइक लेनी बंद करो इनसे, सर्विस सेंटर वाले सर्विस करनी बंद करो, बाहर अच्छा मकैनिक ढूंढो। और मैं ये बोलूँगा अगर आपको डोमिनार की तरह हाल नहीं करना अपनी बाइक में, तो थोड़ा आगे ख्याल रखना चीज़ को लेकर के, बजाज की बाइक को थोड़ा अवॉइड ही करना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यार ठीक है मैं खुद बजाज का यूज़ कर रहा हूँ तो क्रिटिसाइज करूँगा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, खुद भी ऑन करते हैं हम, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बजाज पहले बहुत अच्छी थी अब अच्छी नहीं रही है गाइज हकीकत में बिल्कुल। एंड गाइज यहाँ पे ना भाई के साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है, जो डोमिनार भाई ने परचेज़ की थी 250, इन्होंने ना ये जो टेस्टिंग वाला पीस होता है ना वो भाई को देता कि यार ये हैंड ओवर कर दो भाई को, तो नए प्रोडक्ट की जगह उन्होंने जो जो टेस्ट वाला टेस्ट ड्राइव वाले व्हीकल होते हैं वो वाला दे दिया। मतलब देखो यार उत्तर प्रदेश में किस तरीके के स्कैम कर सकते हैं बजाज वाले, आप खुद देख लो, क्योंकि इंडियन कंपनी है पूरी मोनोपोली है इनकी। तर अब देखो भाई के साथ क्या होता है, मैं देखता हूँ, बाकी भाई से कोई भी बात करनी है आपको मुकुल तेजवाल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई का, क्योंकि यार अवेयरनेस के लिए मैं चाहता हूँ वीडियो बनती रहा आने वाले टाइम में भी, मैंने देखा है ना उसके बाद मेरे को वीडियो मैंने कहा बहुत गंदा सिनेरियो निकल के आया, तो भाई के साथ शेयर करनी चाहिए भाइयों के साथ। सो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, तो यार जो भी क्वेरी होंगी ना आपकी बजाज वगैरह की बाइक या फिर RS 200 जो भी है इस कहानी से रिलेटेड मैं आगे अपडेट बनाऊंगा बिल्कुल क्या हुआ था बाइक में ना, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियो।